चीमा वीडियो ऑफ रॉयल ऑर्चर्ड सावालस वीडियो इज अबाउट द डिस्टेंस ऑफ रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल टू द मेन कैंपस ऑफ कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल एक्चुअली मैं साहिवाल यूनिवर्सिटी कॉन्सर्ट्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके पास प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी के रेट्स में दिन ब दिन इजाफा होता है जैसे कि मेन हाईवेज़ जैसे कि मेन रोड्स उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आता है दैट इज़ यूनिवर्सिटीज़ अब यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल में यहाँ इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अगर आप इस्लाबाद से वाकिफ़ हैं और इस्लामाबाद में अगर आप कॉम्सट यूनिवर्सिटी की प्रिमस से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा आपको आइडिया होगा कॉम्सट के सामने जो ज़मीन है जो कभी यहाँ पे ढाई से तीन लाख पर मरला होती थी आज उस रेट ज़मीन का रेट 25 लाख ,00 से 30 लाख ,00 पर मरला है उसकी वजह यह है डिमांड और सप्लाई डिमांड इसलिए कि उस ज़मीन पे रेजिडेंट्स रहने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं हॉस्टलैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे रेट्स में इजाफ़ा होता है और कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल के बिल्कुल गेट के आप कह लेंगे विदिन टू हंड्रेड मीटर्स के फासले पर है तो जिससे डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इवन के जो इस्लामाबाद वाली कॉन्सर्ट्स है उसके सामने जो दो सोसाइटीज़ कह लें रॉयल एवेन्यू एंड अल अलयद एवेन्यू उनका डिस्टेंस भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल टू काम्सर्ट सावाल इसका डिस्टेंस आपस में कम है इस वक्त आप स्क्रीन पे ब्लॉक ए कह लें या दो ही ब्लॉक कह लें जिसमें दस मरला के प्लाट्स हैं सिर्फ और दस मरला के प्लाट्स जहाँ पर ख़त्म होते हैं बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी वाक़ है जो आपको इस वक्त रेड वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है क्रॉस में लेफ्ट साइड पर नॉर्थ साइड पर ऊपर वाली साइड पर तो वो वो है बेसिकली कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी और इस स्टी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल का अपना ग्रैंड पार्क है जिसमें जिसे मेन पार्क कह लें रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल का जैसे कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल बेसिकली कोई बहुत बड़े एरिया पे बड़ी सोसाइटी नहीं है ये साहिवाल से बेसिकली अगर डिस्टेंस की बात करें तो लेस दैन टू माइल्स अवे जैसे आपको बैकग्राउंड में साहिवाल का सारा शहर भी नज़र आ रहा है और ये सोसाइटी कॉम्सर्ट्स यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अपोजिट है तो कॉम्सर्ट्स यूनिवर्सिटी के अपोजिट होने का जो एडवांटेज है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर प्लाट लेके घर बनाते हैं तो आप का घर बहुत अच्छे वैल्यू पे रेंट आउट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिमांड रेजिडेंट्स की बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल कोविड के दिन है तो सारी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल बंद हैं तो इसलिए अभी यहाँ पर आबादी नजर नहीं आ रही लेकिन रूटीन डेज़ में यहाँ पे फोर प्लस माइनस स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है जो यहाँ पर डेली बेस पर साहिवाल से पढ़ने आते हैं तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली एक आसानी पैदा हो जाएगी जो लोग यहाँ पे घर बना के ख़ुद जिनके बच्चे या फैमिली के लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ ऑफ एक्सेस है कि बिल्कुल घर के गेट के सामने ही यूनिवर्सिटी है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे होने का फ़ायदा ये होगा कि उनसे उनके बहुत ज़्यादा टाइम और पैसे की बचत होगी जो कि वो साहिवाल में रह के अवेल नहीं कर सकते और इसके बिल्कुल साथ कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ जो कैंपस है बेसिकली ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस टाइप ब्लॉक है ये एक टोटल गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे सिर्फ जितनी एरिया है वो ऑक्यूपेंसी सारी गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है और लेफ्ट साइड पे जो साहिवाल साहिवाल कॉन्सेट्स की जमीन है वो एक प्राइवेट ओन्ड एंटिटी है और उसके सामने जो हबीब फेक लिमिटेड का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल वो साला सारा सारा प्रोजेक्ट भी सारे का सारा ओनड बाई प्राइवेट एंटिटी जिसका नाम है हबीब फेक लिमिटेड जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है अब यहाँ पर प्लाट परचेज करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर आपको डेवलप और पोजेशनेबल प्लॉट सिर्फ टेन पे आप कर सकते हैं लट से प्लॉट कीमत है पच्चीस लाख तो आप सिर्फ ढाई लाख रुपए से आप प्लॉट बुक कर सकते हैं और उस प्लॉट पर हाइट आपको जो परमिसेबल है वो थर्टी फीट है यानी ग्राउंड प्लस थ्री आप उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस वक्त हम स्क्रीन पे जो रॉयल ऑर्चर्ड साईवाल का जीटी रोड से कनेक्टिंग uh, रोड है उसकी फुटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और यही रोड है जो कनेक्ट करता है रॉयल ऑर्चर्ड साईवाल को विद द मेन एन एच फाइव या नेशनल हाईवे वे फाइव या आम जुबान में से कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड वेल व्यूज दिस इट अगर आपको रॉयल अर्चर साहिवाल में कोई मालूम रिक्वायर्ड हो बुकिंग के हवाले से तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए हूँ तो आप मुझे तब भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिजवान जीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़